गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ्स में चैप्टर 7 हम कर रहे हैं टाइम गोज ऑन, और इसमें हम जो टाइम है उसको रीड करना सीख रहे हैं। आज भी हम टाइम को रीड करना सीखेंगे, लेकिन उसको पास्ट में और टू में। जैसे मान लीजिए अभी तक हमने टाइम को कैसे रीड किया था, ये जो टाइम है हमने इसको कैसे इसको रीड किया था, 3 hours 10 minutes। ओके, इसी तरीके से हमने इस टाइम को कैसे रीड किया था, 3 hours 40 minutes। लेकिन आज हम इसको पास्ट और टू के सेंस में रीड करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए पास्ट का मतलब होता है जो बीत चुका, जो पहले हो चुका। ओके, तो वो होता है पास्ट। इसको हम टाइम में किस सेंस में यूज़ करेंगे, देखिए मान लीजिए हमारा मिनट हैंड है 2 पे और आवर हैंड है हमारा 12 पे। ये हमारा आवर हैंड है जो कि आवर हैंड जो हमारा वो है 2 पे और मिनट हैंड है हमारा 12 पे। तो ये टाइम हो रहा है 2 o'clock का टाइम है एग्जैक्टली, यानी कि 2 बजे हुए हैं। अब अगर हमारा मिनट हैंड मूव करना शुरू करेगा, अब हमारा मिनट हैंड मूव करना शुरू करता है, उसके बाद हमारा मिनट हैंड आ जाएगा मान लीजिए इस वाली लाइन पे आ गया। ये वाली लाइन कितने मिनट की है, 3 मिनट वाली, तो इस वाली लाइन पे अब आ जाता है हमारा मिनट हैंड। तो 2 तो हमारे पहले ही हो चुके हैं ना, 2 o'clock का टाइम तो हमारा पहले ही हो चुका है। ठीक है, अब 2 होने के बाद और कितने मिनट्स हो गए हैं, 3 मिनट। ठीक है, 2 मिनट होने के बाद 3 मिनट्स और हो चुके हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 3 मिनट पास्ट, 3 मिनट पास्ट 2। ओके, यानी कि जैसे कि आप हिंदी में बोलते हो 2:03, है ना, यानी कि 2:03 का क्या मतलब हुआ कि 2 बज चुके हैं और 2 बजने के बाद 3 मिनट और हो चुके हैं। ओके, तो इसी को यानी कि 3 मिनट पास्ट यानी कि 3 मिनट बीत चुके हैं, पास हो चुका है 3 मिनट 2 o'clock को। ठीक है, यानी कि 2 o'clock का टाइम हुए, 3 मिनट बीत चुके हैं। अब इसी तरीके से अगर हमारा आवर हैंड जो है 2 पे ही है और मिनट हैंड आ जाता है 4 पे कितना मिनट होता है, 20 मिनट्स होते हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 20 मिनट हो चुके हैं 2 o'clock के टाइम को। ओके, 2 o'clock के टाइम को 20 मिनट हो चुके हैं। 2 o'clock का टाइम कब हुआ था, जब हमारा ये मिनट हैंड था 12 पे, लेकिन 12 से वो मूव करता हुआ अब 4 पे आ गया है। ठीक है, वो 4 पे आ गया है, तो 20 मिनट पास्ट यानी कि 20 मिनट बीत चुके हैं, पास हो चुके हैं 2 o को। ठीक है, यानी कि 2:20 हो चुके हैं जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं। अब क्या होगा, देखिए एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, जब हमारा मिनट हैंड, जैसे कि मिनट हैंड हमारा 12 पे है और आवर हैंड हमारा 2 पे है, अब जैसे मिनट हैंड हमारा मूव करेगा ना आगे की तरफ, मिनट को करेगा, तब हमारा जो आवर हैंड है ना वो भी हल्का सा मूव होता है, बिल्कुल हल्का सा मूव होगा। ठीक है, यानी कि धीरे धीरे वो 3 की तरफ आएगा, धीरे धीरे वो 3 की तरफ आएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अगर बीच में भी यहाँ पे अगर आवर हैंड है, तो आप सोचेंगे ये क्या टाइम हुआ, ये क्या टाइम हुआ, आप 3 हुआ या 2 हुआ या क्या हुआ, तो आपको ये याद रखना है कि ये अभी 3 की तरफ आ रहा है, 3 की तरफ आया नहीं है, आ रहा है, 3 पर नहीं है, तो यानी कि टाइम कितना हुआ है, आवर कितने हुए, 2 ही आवर हुए हैं अभी। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी तरीके से अगर हमारा मिनट हैंड अब 6 पे आ जाता है और आवर हैंड मान लीजिए 2 पे ही है, हमारा आवर हैंड ये 2 पे है और इस समय आवर हैंड जो है आपका वो थोड़ा सा मूव कर चुका होगा आगे की तरफ, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है, तो ये हमारा आवर हैंड है और ये हमारा मिनट हैंड है 6 पे, तो हम क्या बोलेंगे इसको, 6 पे कितने मिनट होते हैं, 30 मिनट, 30 मिनट, तो इसको क्या बोलेंगे, 30 मिनट पास्ट 2, नहीं इसको आप 30 मिनट पास्ट नहीं बोलेंगे, इसको हाफ एन आवर पास्ट आप बोलेंगे, हाफ एन। ठीक है, क्योंकि ये जो 6 पे आने के बाद ये जो होता है हमारी क्लॉक का हाफ टाइम हो जाता है। ओके, 6 पे आने के बाद हमारी क्लॉक का ये हाफ टाइम हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ना आधा घंटा। ठीक है, इसी तरीके से आप बोलेंगे 30 मिनट को, आप क्या बोलेंगे, हाफ एन आवर पास्ट 2। अब अगर हमारा मिनट हैंड जो है अब
आवर हैंड तो हमारा 2 पे ही रहता है और मिनट हैंड हमारा आ जाता है 7 पे। तो अब कितने मिनट, अब हमारा हाफ टाइम हो चुका है, अब हमारा जो आवर हैंड मिनट हैंड है वो 12 की तरफ मूव करता जा रहा है आगे की तरफ। तो यानी कि अगला आवर होने के लिए, नेक्स्ट आवर होने के लिए और कितने मिनट्स की अब नीड है। अगला आवर कब होगा, अगला आवर जो होगा यानी कि 3 जो बजेंगे, 3 बजेंगे, 3 o'clock का टाइम होगा, वो कब होगा, जब हमारा आवर हैंड होगा 3 पे और मिनट हैंड होगा 12 पे। ये वाला जो मिनट हैंड है ये हो जाएगा हमारा 12 पे। तो इस हैंड को अब 12 पे आने के लिए कितने मिनट बचे हुए हैं, कितने मिनट बचे हैं काउंट करके आप देखेंगे तो बचेंगे हमारे 25 मिनट्स। ठीक है, तो ये बचेंगे 25 मिनट्स और इसको अब 25 मिनट्स 2, 3 यानी कि 25 मिनट्स की नीड है 3 o'clock के टाइम के लिए। इस तरीके से आप इसको रीड करेंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। ये जो हमारी फर्स्ट क्लॉक है इसमें देखिए हमारा जो ये आवर हैंड है, ये वाला आवर हैंड है और ये देखिए 5 और 6 के बीच में है ये। ठीक है, 6 पे आया नहीं है, ये 5 और 6 के बीच में है। इसका मतलब अभी कितने आवर हुए, 5 आवर हुए, इनकी टाइम आप क्या लिखेंगे, आवर 5। और मिनट कितने हो चुके हैं, आप देखिए 7 पे मिनट है तो मिनट कितने हो चुके हैं, 35। लेकिन अगर आप इसको पास्ट और 2 में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हाफ एन आवर तो इतना होता है, 6 पे होने पे हाफ एन आवर होता है, तो हाफ एन आवर से ये आगे जा चुका है यानी कि नेक्स्ट आवर के लिए, नेक्स्ट वाले आवर के लिए अब ये चल चुका है। नेक्स्ट आवर के लिए इसको कितने मिनट्स चाहिए, 25 मिनट्स 2, अब आएगा 2। अब नेक्स्ट आवर कौन सा होगा, 5 है ना, अब नेक्स्ट आवर होगा 6 यानी कि 25 मिनट्स 2, 6। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्लॉक में देखेंगे, नेक्स्ट क्लॉक में देखिए हमारा जो आवर हैंड है ये 11 से थोड़ा सा आगे है, 11 से थोड़ा आगे है लेकिन 12 पे नहीं है, 12 से ये बहुत पीछे है, यानी कि आवर कितने हुए, 11 आवर। ओके, और मिनट देखिए कितने हो चुके हैं, 5 पे है तो यानी कि 25 मिनट, लेकिन हाफ एन आवर नहीं हुआ है, हाफ एन आवर से पहले है, तो यानी कि अब इसको पास्ट में लिखेंगे आप, तो आप लिखेंगे 25 मिनट, आप पूरा लिखेगा पास्ट 11, यानी कि 11 o'clock हुए, 25 मिनट्स बीत चुके हैं। ओके, अब इसी तरीके से इसमें देखिए क्या टाइम हुआ है, आवर हैंड हमारे 2 पे है यानी कि 2 आवर्स और मिनट हैंड भी 2 पे है यानी कि 10 मिनट। तो यानी कि 2 o'clock हुए, 10 मिनट पास हो चुके हैं, यानी कि 10 मिनट पास 2। ओके, सो इसी तरीके से आप पहले ये टाइम लिखेंगे, आपको क्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल पहले टाइम लिखेंगे जैसे कि आवर और मिनट में, जैसे कि ये वाला है, क्या टाइम हुआ है, ये वाला आवर हैंड है हमारा 11 और 12 के बीच में है यानी कि 11 आवर्स हुए, 12 नहीं हुए, 11 आवर्स हुए। मिनट कितने हुए, ये देखिए 9 पे ही मिनट हैंड यानी कि 45 मिनट हुए। पहले आप ऐसे टाइम लिखेंगे और फिर उसे पास्ट में और 2 में लिखेंगे। सो एक ये क्लॉक्स हैं और एक ये क्लॉक्स है, ओके, इनका भी आप पहले टाइम लिखेंगे आवर्स और मिनट में और फिर उसे पास्ट और 2 में लिखेंगे। गुड लक।